नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले। तो भाई आज की मतलब मैं दो दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो गाइस अभी 8:37 हो रही है, तो मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कारफोर सेल की। तो गाइस इस वाली गेम प्ले वीडियो में हम लोग और भी मतलब पैसा कमाएंगे और देखेंगे अगर हम कोई और रेयरेस्ट कार बाय कर सकते हैं फटाफट से फटाफट जितनी जल्दी हम लोग एक और रेयरेस्ट कार। निसान GT-R अभी तक नहीं आई है, डॉज वाइपर नहीं, और एक दो गाड़ियाँ और हैं, तो लेट्स गो। ये देखो गाइस मेरे साथ एक गेम के अंदर स्कैम हुआ था, मैं आप लोगों को बताया नहीं। गाइस मैंने निसान GT-R परचेज़ करी, ना वो सेगमेंट मैंने अब इस वीडियो में डाला ना मैं डालना चाहता हूँ। मैंने निसान GT-R परचेज़ करी थी, तो निसान GT-R परचेज़ करने के बाद गाइस मतलब वो जो निसान GT-R थी वो आई नहीं मेरे पास। सीसी की बात भाई, वो आई नहीं मेरे पास, तो उसका थोड़ा दुख है मेरे को और कुछ नहीं। चलो भी फटाफट चलता हूँ यहाँ पे भाई, गेम हल्का सा लैग हो गया क्योंकि मैंने गाड़ियाँ बहुत सारी खरीद ली हैं। तो गाइस मैंने मतलब निसान GT-R खरीदी थी, तो उसका मुझे पंगा पड़ गया। माजडा और शेवरलेट तो खड़ी है मेरे पास, पर भाई मैं आगे जाके इन सब गाड़ियों को बेच दूंगा, जैसा कि मेरे को याद है इन सब गाड़ियों को बेच दूंगा। और भाई देखना गेम अब हद से ज़्यादा लैग हो रहा है, मतलब भाई चलना मुश्किल हो गया गेम के अंदर। सीरियसली क्या ही बोलूँ, तो चलना तो नामुमकिन ही हो गया भाई गेम के अंदर। अब भाई निसान GT-R तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, वो तो मेरे को मिलने से रही, पता नहीं कहाँ है वो। देखो भाई वहाँ पे नहीं खड़ी है, शायद अब मेरे को ऑफिस कंपाउंड में भी ना ही दिखाई, मतलब ऑफिस के वेब पेज पे भी ना ही दिखाई निसान GT-R। हाँ भाई नहीं दिखा रही भाई निसान GT-R, बट भाई मेरे को मैंने उसका लॉस हुआ उन्होंने दिखाया, फिर वो पैसे गए कहाँ भाई, मैं इतने पैसे बैठ में तो नहीं आ सकता। तो भाई वो तो जहाँ भी गए मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं कार भाई देखो लैग बंद हो गया गेम का, कार में बैठते हैं चलते हैं फटाफट से। भाई 2 मिनट का लैग होगा भाई गेम का, पता नहीं कौन से ज़माने का लैग था, 2 मिनट के लिए आया और फिर चला भी गया। चलो फिर बढ़िया। अबे मैं कार मार्केट प्लेस ही भूल गया, ओके भाई आ गया का। ओ ओ डैमेज डैमेज आएगा यार, रुकी नहीं भाई, लैग हो गया बीच में गेम और कुछ नहीं। मर्सिडीज खड़ी है, ओडी खड़ी है, स्कोडा खड़ी है, दे वाली तुंची मस्टैंग, पोलचू की तरफ फलालू के साथ शेवरलेट के साथ घटिया गाली खड़ी होगी कोई और, BMW पता नहीं कौन सी वाली है। नहीं भाई पोल से डैमेज है मैं नहीं लूँगा, डैमेज कार मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ये मेरा नुकसान कल आएगी, मतलब नुकसान नहीं मैं लूँगा ही नहीं, मैं ऐसे पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। ओके 240,000 ले भाई और गाड़ी दे दो मुझे, देखा मेरी बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी हो गई है भाई, फटाफट आ जा मेरे पास टाइम नहीं है इतना। भाई जो ये एड सिस्टम है ना इस गेम ने ना मेरा इतना दिमाग ख़राब किया ना भाई, वो वाली गाड़ी तो भाई मुझे रिपेयरिंग के लिए भेजनी पड़ेगी अपनी पोशे, तो ये वाली गाड़ी टो करा लेता हूँ और मस्टैंग नहीं लूँगा, मर्सिडीज लेंगे हम, कौन सी वाली लेंगे इन दोनों में से जो पेल नहीं हो रही भाई, मैं ऐसे पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ फिर से। नहीं भाई तू 34% पागल है कि तू, बेटा ऐसे गाड़ी तो कभी ना लूँ 45 तेरे तो वैसे नहीं लूँ भाई। मस्टैंग पोर्श, हाँ वैसे शेवरलेट शेल भी खड़ी तो उसको भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। मस्टैंग 2017 38, ये मस्टैंग क्या हो गया भाई, ये सीरियसली मस्टैंग है ना भाई, इस गेम में मस्टैंग की वैल्यू ही नहीं है। तो गाइस मैंने सोचा इसी हाथ लगे हाथ चलो शेवरलेट शेल भी खरीद लेता हूँ, 95 तक की दे देगी मैम दे दोगे ना, इतना तो आप लेस कर दोगे है ना भाई, मुझे पता है ये ना बड़े थोड़े कंजूस इंसानों को भी जानता हूँ वैसे यहाँ पे। भाई इस एड सिस्टम ने तो दिमाग ख़राब किया है, पर सीरियसली कह रहा हूँ भाई, तीनों मेरे टोइंग स्लॉट प्रॉपरली फिल्ड हैं, तुझे ही जाना है भाई रिपेयरिंग के लिए, मैं सीधा उनको ऑफिस में जाके सेल करूँगा, तू तक वैसे तुमको ले ही जाता हूँ यार, वहाँ रिपेयर करा के वापस लेके आऊँगा। कितने का डैमेज हुआ वैसे तेरे को, 1% यार, वो 1% डैमेज थोड़ा ना हुआ फिर, ऐसे इस गाड़ी को डैमेज होगा ही काम सारी, इस बेचारे को कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है, इससे भी डैमेज हो जाएगा क्या, नहीं हो पा भाई इधर हो जाए 1% डैमेज, मेरा 100% डैमेज में तब्दील कराएगी तू। मैं बाद तो नहीं लाइट क्यों ऑन कर लेता हूँ, लाइट ऑन करने का चस्का चढ़ाओ और कुछ नहीं। फटाफट यहाँ पे आता हूँ, गाड़ी को पार्किंग स्लॉट पे लगाता हूँ, चल भाई जा भाई, 1% डैमेज है इसको तो तू टाइम नहीं लगाएगा ना, तेरा भरोसा ही क्या, $30 इसका भी $30 लिया भाई तू,
पागल मूर्ख इंसान, इसका भी $30 ले रहा है तू? पागल है क्या तू? वो भी गई, वाह पूरा रखा ही क्यों कर दूस गाड़ी को, मेरे को पकड़ा देता, मैं इसको ऐसे ही ले जाता भाई, ठुक मत जाए मेरी बहन बहन भाई, तू जोन सा भी पोर्शे तेरा जोन सा भी जेंडर है ना भाई, ठुकी हो मत, फटाफट चल और इधर रोक दे तेरे को मस्त भाई। अपने ऑफिस के ऊपर ना बर्फ जमी हुई है पूरी ज़बरदस्त। तो गाइस तीनों गाड़ियाँ मैंने अंदर पार्क तो कर दी हैं, अब इसको मैंने फटाफट से वेब कैम पे, तीनों गाड़ी वेब कैम भाई, वेब कैम क्यों बोल रहा हूँ, वेब पेज पे सेल करता हूँ भाई, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। 370,000 की फरारी, ये क्या है लॉर्ड मस्टैंग भाई, तेरा नाम ही लॉर्ड है, काम तो तेरा फ्रॉड है, चलो छोड़ो परे भाई, ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अभी शेवलेट शेल में अंदर ही लाया क्या? तीन गाड़ी है ना मेरे पास, ये नहीं आएगी क्या उसमें? नॉट फॉर सेल ही क्या बहन जी? ये गाड़ी भी है मेरे ऑफिस में, मैं तो मेरे वेब पेज को पता नहीं क्या हो रखा भाई, हर एक चीज़ में स्कैम 556 चल रही है। अच्छा ये नीचे भाई, वो नीचे दबी हुई है बेचारी, तू 125 की जा यार तू भाई। भाई गेम कोई लैग नहीं मार रही, कोई कुछ नहीं कर रही, मैं जानबूझ के नाम लड़ा रहा हूँ, लड़ा रहा हूँ नहीं चढ़ा रहा हूँ भाई मैं। ये तो भाई दोनों गंद भाई, कोक यार, तो कोक के कैन कौन फेंक के जाता है? मैं भाई $500 के लिए ना एक बंदा ही लगा दूंगा, उस बंदे को इतना पे भी नहीं करना पड़ेगा, $500 देना है एक वीक का, और क्या चाहिए, $500 में इतना हो रहा है, मैं तो भाई $500 तो कोई भी दे सकता है, वो तो छोटा बंदा भी लगवा ले वो अलग बात है। अबे भाई एक तो फ़ोन से उठाना ना मुमकिन होता भाई, तू आ तेरे मुँह पर मारूँ उसको भाई, 3 की ले जा, नहीं 370 की तो लगाई है, 350 की ले जा यार तू, ऐश कर, चल 370 की ले जा और ऐश कर। अबे भाई सीरियसली 370 ले गया भाई वो इंसान, सीरियसली 370 ले गया। और भाई जैसे देखो ना कि वो बंदा कह रहा है मैं गाड़ी सेम प्राइस पे ले जाऊंगा भाई, अंगूठा नहीं रुकता, हाथ नहीं रुकते वो अपने आप ही भाई। भाई ये लॉर्ड मस्टैंग को भी ले जाओ और ये शेवलेट शेल्फ को भी ले जाओ यार फटाफट भाई, शेवलेट शेल्फ तो भाई अपनी लेजेंडरी माफिया का आ रहा है ना भाई, और अपनी लॉर्ड मस्टैंग का नाम ही फिलहाल लॉर्ड है इस गेम के अंदर, बाकी पैसा पूसा पता नहीं कितना देती है। तू किसके लिए आया भाई? ओए तू शेवलेट के लिए आया, शेवलेट शेल्फ के लिए आए हो भाई, क्या पागल हरकत थी भाई, दाड़ तू उसको रहा है बेगानी शादी, मतलब तू किसी और की शादी में किसी और की दुल्हन दाड़ रहा है भाई जाके क्या? रुक रुकी मैडम भी शायद इसी गाड़ी खींच के लिए आई, तू रुक रहे नहीं मैडम शेवलेट समझदार तू भाई, कि अपनी बीवी छोड़ के दूसरे की बीवी ताड़ रहा है, ये तेरी गलत बात लगी यार मुझे, ये थोड़ा गलत बात है यार। तू भाई जाए, तू लेने जो सी गाड़ी है उस गाड़ी को ताड़ना। अबे भाई तुम सारे उसको लेने आ गए हो भाई, ये इंसान ना अपनी बीवी छोड़ के दूसरे की बीवी ताड़ रहा था, मतलब तुम मतलब समझे भाई सेंटेंस का, लेने आया है लॉर्ड मस्टैंग, छेड़ आके ये हमारी शेवरलेट को रहा है, ताड़ शेवरलेट को रहा है और लेने आया लॉर्ड मस्टैंग है भाई, बंदा अजीब है भाई। 125 वाला मिल जाओ उसने, 114 ये बिडिंग प्राइस बढ़ता हुआ, 114 112 है भाई, तू तू नीचे है थोड़ा, डाउन रैंक है भाई, तू 125 ले जा, तू तो निकल जा, तेरे को तो वेट कराने का भी मन नहीं। आप आओ भाई साहब आप, 114 हाईएस्ट, 115 115, डू यू वांट टू गो फॉर 115? नो, दफा हो, कहाँ गई वो मैडम? मैडम आप हमारी स्पेशल कस्टमर, देखिए मैं आपको ज़्यादा महंगी नहीं लगाऊंगा ठीक है, सीधी सीधी बात है मेरी, आप हमारे अच्छे कस्टमर लगे मुझे, मैं आपको सीधा इतना ओनली इतना भाई। स्कैम 556 भाई, स्कैम 556 ने $1 लेस किया मैंने जस्ट, और ये लेगी। चलो भाई मैं जाऊँ, अपना बचा कुचा पैसा मैं उड़ा के आऊँगा, मतलब उड़ा के नहीं जीत के, उड़ा के जो जो कहना कह लो भाई, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ड्रैग रेस करने, जीत के उड़ा के जय माता दी, जो होगा देखी जाएगी। फटाफट चलते हैं ड्रैग रेस करने के लिए, और भाई न्यू ईयर भी आ रहा है तो हैप्पी न्यू ईयर वाले एडवांस में बोल रहा हूँ आप सबको मैं। ओके तो दोनों ही सेम है ना, दोनों ही सेम है, तो देखते हैं पैसा कौन ज़्यादा दे रही है। मैडम आप 3334, अरे 34 को 34 ही बोलते ना। अबे भाई साहब तू तेरे पास बड़ा 4000 वाली मैडम आओ, अरे एक ऐड बहुत ज़्यादा आ रही है अब सीरियसली। लेट्स गो यू वेट हैज बीन भाई, फरारी कहाँ पोर्श हरा देगी? हरा तो नहीं देगी भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, पर भाई डॉज वाइपर नहीं हरा भाई।
भाई क्या पता भाई, ये भाई फरारी का कोई भरोसा नहीं भाई, सीरियसली बोलो फरारी का भी कोई भरोसा नहीं और हमारी पोर्शे का भी कोई भरोसा नहीं, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर मैन। ओ आजा भाई, क्यों सोया हुआ है? भाई मुझे रेस वाले उस पर भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है, मुझे 140 के बाद शिफ्ट देना, नहीं मैंने जल्दी शिफ्ट दे दिया 300। ओ भाई भाई कुछ 4 सेकंड का फर्क है, मैं 10.7 पे था वो 11.1 पे था। चलो भाई मैं 9000 जीत गया। भाई मैं सीरियसली बोलूँ मैं गेम बंद नहीं कर सकता, क्योंकि गेम जो है ना वो नेट वाली हो गई है, पता नहीं क्यों नेट वाली हो गई हुई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ भाई साहब ये तो भाई बहुत तगड़ा वाला पंगा हो गया, सीरियसली बोलूँ क्या हो गया, अरे पंगा हो गया यार। मैं मर्सिडीज आई है, मर्सिडीज मर्सिडीज, ये तो भाई मैं बिना नाइट्रो के, हाँ होगी तू स्टार्ट तेरी लैग लैग काम स्टार्ट। नहीं भाई तू थोड़ा कम बोल रहा, अंकल अंकल थोड़ा बढ़ाओ ना ये अंकल, पैसा से बढ़ाने का इतने में कुछ नहीं होने का। हाँ पैसा बढ़ा ले भाई तू, पैसा बढ़ा। हाँ भाई ये इतना ही जा रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा भाई, ये गरीबों का शाहरुख खान, क्या करूँ मैं इसका, सच्ची गरीबों का शाहरुख खान, नहीं शाहरुख खान नहीं, गरीबों का पता नहीं कौन, प्रकाश प्रकाश राज भी नहीं, कौन पता नहीं कौन यार। इंजन ऑन करो, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, ब्रो तुम हारोगे ठीक है, वो भी कह रहा होगा हाँ यार पता है। भाई खड़ा ही क्यों है भाई तू, पोर्शे को हाँ ही क्यों कह रहा है? देख बेटा इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि तू पोर्शे हरा देगा, अरे बच्चा बच्चा जानता है पोर्शे हराएगा तू। आया बड़ा भाई, सीरियसली तो नहीं ले गया तू, मेरी बात का सीरियस नहीं लेना ब्रो, दफा हो। ये मैंने नाइट्रो लेट दिया भाई और कुछ नहीं, सिर्फ नाइट्रो लेट दिया मैंने, इसलिए मेरे करीब आया भाई, देखा होगा आप लोगों ने ध्यान से, भाई मैंने नाइट्रो लेट दिया तभी मेरे पास पहुंचा, वरना तो कोई चांस ही नहीं था जीतने का उसके। अब चलो घर चलते हैं भाई, एक बारी आप लोग ऊपर बैलेंस पे ध्यान दो, मेरे पास कितना बैलेंस है, 1 कहाँ से हो भाई, 1,757,000 क्यों बोलेंगे भाई इसको, तो भाई 1,757,337 भाई, ये थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में इसलिए मैंने बोल दिया। देखा भाई 1.5 मिलियन से प्लस कैश है फिलहाल अपने पास, देखो भाई कैश की कोई कमी नहीं, ठीक है भाई कैश की कोई कमी नहीं हमारे पास, 1.5 मिलियन मतलब 1.7 मिलियन मेरे पास टोटल कैश है फिलहाल। देखा भाई पैसा पैसा तो है भाई अभी गेम के अंदर हमारे पास, अब सो जाते हैं। पर भाई बोलने में कितना सही लग रहा है यार, 1,757,337 है ना, ये था 1,757,337 सही बोला यार मैं, और तू ऐड वाला बस करो भाई बस। भाई सारा बैलेंस चला गया, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह, इंश्योरेंस नहीं मेंटेनेंस, जो मैंने गाड़ियां लगाता हूँ उन सब में ही सारा पैसा चला गया भाई मेरा, अनपेड बिल्स में सारा पैसा ख़त्म हो गया भाई, मैं चला वापस सोने, क्योंकि मंडे को भाई मैं कोई काम नहीं करता, मंडे मेरा हॉलीडे भाई, ये लॉस है मेरा एक दिन का, मैंने कुछ किया नहीं है भाई, ये बैठा बैठाया लॉस था मेरा भाई, आगे पता नहीं भाई पैसा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे से हमारे पास ना बड़े बड़े लॉस होंगे, हमें 1,000,000 का लॉस होगा तब हमारा पैसा भी 10-10 करोड़ होगा। भाई कौन सी गाड़ी लेके जाऊँ, पोर्शे लेके जाऊँगा, क्योंकि वो तो मैं चलाता ही नहीं, वो तो मैंने घर की लुक देने के लिए रखी है। तो गाइस जस्ट मैंने भी एक ऑडी खरीदी जो हद से ज़्यादा डैमेज है भाई, वो मैंने इसलिए खरीद ली ऑडी R8, क्योंकि भाई मेरे को और कोई गाड़ी दिखी नहीं सेलेबल प्राइस पे। चलो चलता हूँ उसको अब रिपेयर करवाते, पता नहीं 55-50% कुछ ऐसे डैमेज है, पता नहीं कितने डैमेज है भाई पता नहीं, चलो दे दिए मैंने पैसे। गाइज ये देखो मैंने बाहर क्या कराया भाई, अब ऑफिस के सही लग रहा है ना यार, ऐसे भी मैंने इनको करा लिया, बढ़िया लग रहा है, पैसे ज़रूर खर्चे पर सही लग रहा है यार। मैं 1,500 का तो था, मैंने दे दिए भाई, इतना पैसा तो है भाई हमारे पास भी, कितनी हुई है यार तू भी बता, दिमाग का अच्छा दो चीज़ें हो गई हैं भाई। तो ओके गाइज मैं ऑडी R8 लेके आ चुका हूँ, बस इसको फटाफट मेरे को सेल करना है बस, और मैं इसको 3 लाख कुछ के लाया था, तो मॉडल तो इतना वो नहीं है, तो मैं इसको आई थिंक सो 5 लाख तक का डाल ही सकता हूँ, 5 लाख ही डाला है अभी। 50,000 बंदे 2 मिनटों में आ जाएंगे ऑडी R8 50,000 के देख के भाई, एक दिन करेंगे ये चीज़ भाई हम लोग, मतलब ये बहुत जल्दी करूँगा यार, मैं सोच रहा हूँ न्यू ईयर सेल पे अपना थोड़ा नुकसान करा लिया जाए, सारी गाड़ियों का भाई सस्ता कर दूंगा, बिल्कुल ही सस्ता भाई, जितने की भाई मतलब मैं एक दिन हाँ भाई करूँगा,
मतलब भाई एक दिन हम तीन गाड़ियाँ लाएंगे महंगी महंगी सी, 4-4 लाख रुपए, पर मेरे पास पैसा भी 3 से 4 मिलियन डॉलर होगा तब करूँगा भाई मैं वो वाला चैलेंज। उस दिन भाई मैं 5 गाड़ियाँ लाऊँगा, मतलब मेरे पास 5 मिलियन डॉलर होगा, उन 5 मिलियन डॉलर के मैं 2 मिलियन डॉलर के अंदर 5 गाड़ियाँ लेके आ जाऊँगा, आ जाती हैं, और उन सब गाड़ियों को भाई एक एक डॉलर पर सेल करूँगा, पर नेक्स्ट डे उस दिन नहीं करूँगा। जिस दिन मेरा प्रॉफिट लिखा होगा 5 डॉलर, ये प्रॉफिट होगा भाई मेरा, लॉस के मुताबिक भाई। इसे देखा था तो ये चीज़ अच्छी लग रही है इस ऑफिस के बाहर, बट प्लांटिंग भी थी बट मैंने ये लगवा ली है। ओ भाई इसको उठाना बड़ा मुश्किल, कोला के कैन को भाई, भाई कोला के कैन का ना साइज सूज बढ़ा दो यार कृपा करके, कस्टमर का वेट करता हूँ मैं, कितने दिन तो कब आएगा ऑडी ख़रीदने के लिए। ओके गाइस, तो ये मैडम आई अपनी मेरी पहली कस्टमर है, मैम 5 की है, 5 में ले जाओ भाई। मेरी ना लक चल रहा है भाई प्रॉपर भाई, बहुत तगड़ा भाई लक हो गया भाई। चलो भाई सोने चले, सोने ये सोने चलता हूँ भाई अब मैं। 1,90,000 डॉलर का प्रॉफिट भाई, ये देखो कितनी तगड़ी गाड़ी है भाई, मेरे से इसको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, ला फिर आ रही है आगे मैंने एक्सेस लिखा भाई, भाई देखना ही कितनी महंगी गई है भाई, मैंने इस पर 1,70,000 डॉलर लग रहे हैं, बट भाई ये गाड़ी 2 मिलियन डॉलर के क्रॉस हो रही है भाई ये गाड़ी। पर मैंने इसको भाई आपको पता है रेस में हराया हुआ मैंने इस गाड़ी को, मैं क्या ही लूँगा, हट रहा हूँ यार, मतलब महंगी गाड़ी जो आई थी वो तो चली गई, वो कभी कभार ही होता है यार, कोई और अच्छी गाड़ी है। मैं मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मेरे को 45 डे के अंदर ही वो गाड़ी मिल गई, बट मेरे पैसे नहीं थे। हाँ चलो बस आज की वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, और गाइस चैनल में हो तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इतनी ही मजेदार गेम प्ले वीडियोस के लिए, और गाइस निसान GTR अगर हमें नेक्स्ट बार मिल गई जरूर ले लेंगे, और ये भी भाई पैसे थोड़े और जोड़ लूँगा। हाँ तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस गेम प्ले वीडियो, भाई फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को।